करसोग उपमंडल में कोरोना से दूसरी मौत हुई है। यहां ग्राम पंचायत चौरीधार कटोल भुट्टी में एक व्यक्ति बालमकुंद ने मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इससे पूर्व 24 अप्रैल को बालमकुंद के 35 वर्षीय पुत्र की IGMC में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। ऐसे में क्षेत्र में एक ही परिवार में कोरोना से हुई दूसरी मौत से हड़कंप मच गया है। बालमकुंद के परिवार की केलोधार में दुकान है, जहां पर पिता व पुत्र बारी बारी से बैठते थे। करसोग में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। यहां अब तक 5 क्षेत्रों में एक साथ कोरोना के 4 से अधिक मामले आने पर धारा 144 लागू की गई है। इसमें सबसे पहले 23 अप्रैल को केलोधार व बखरुंडा में कोरोना पॉजिटिव के एक साथ 5 मामले सामने आए थे, जिसके बाद कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए दोनों ही क्षेत्रों में प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी थी। इसके साथ दोनों ही क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन भी घोषित कर दिया गया था। इसके बाद 26 अप्रैल को चौरीधार पंचायत के तहत 3 गांव भुट्टी, बलाहनी व कोटीधार में कोरोना के एक साथ 15 मामले सामने आए थे। यहां भी प्रशासन ने धारा 144 लागू करने के बाद आगामी आदेशों तक क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया था। अब इन क्षेत्रों में ना तो कोई व्यक्ति बाहर से आ सकता है और ना ही यहां से किसी को बाहर जाने की अनुमति है। प्रशासन की अनुमति से इन क्षेत्रों में केवल जरूरी खाद्य वस्तुओं की सप्लाई जारी रहेगी। इसके बाद अगर कोई भी व्यक्ति नियमों की अवहेलना करते हुए पाया जाता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। SDM सुरेंद्र ठाकुर ने बताया, कोरोना पॉजिटिव के केस आने के बाद 2 कंटेनमेंट जोन बने हैं। सेकंड कंटेनमेंट जोन के कोटीधार में कोरोना से दूसरी मौत हुई है। दूसरी मौत से लोगों में दहशत का माहौल है। उन्होंने लोगों से अफवाहों में ना आने और सरकार की एडवाइजरी की पालना करने की अपील की है। हमारे जो केलोधार, बखरुंडा और भुट्टी, बलाणी जो कंटेनमेंट, 2 कंटेनमेंट जोन बने हैं, तो जो सेकंड कंटेनमेंट जोन है हमारा भुट्टी, बलाणी और कोठीधार, वहाँ पर आज दूसरी डेथ हुई है। और सभी को बिल्कुल सही ढंग से रहने के लिए और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं और कंटेनमेंट जोन पूरे शांतिपूर्ण है। परंतु जो हमारी दूसरी डेथ हुई है, तो इससे मतलब दहशत का माहौल है। मेरा सभी से निवेदन है कि आप अफवाहों पर न जाए, आप अपना सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, मास्क लगाए रखें और बार बार साबुन से हाथ धोए रहे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाए, तो कोई ऐसी डरने की बात नहीं है। और जो हमारी डेथ हुई है तो उनका अंतिम संस्कार नेरचौक में ही किया जा रहा है और कोविड प्रोटोकॉल के तहत किया जा रहा है। और बाकी सभी से निवेदन रहेगा कि जितने भी कॉन्टेक्ट में आए हैं वो सभी लोग टेस्ट करवाएं। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए करसोग से दिनेश कुमार।